अरे बच्चों, इंग्लिश ट्यूटोरियल बाइबल बी तिवारी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। क्या होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेंटेंस के दो भाग होते हैं। हर सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में हमेशा नाउन या प्रनाउन होंगे और प्रेडिकेट में वर्ब तो होगा ही होगा और दूसरे शब्द भी होंगे। तो हम यूँ कह लें कि सेंटेंस का एक जो भाग है वो सब्जेक्ट होगा और जो बाकी सारा भाग है वो प्रेडिकेट होगा। तो इसकी परिभाषा को समझते हैं हम लोग। जो ये सब्जेक्ट है, इट इज़ द पर्सन। सब्जेक्ट क्या है? किसी भी वाक्य में वो जो पर्सन है जिसके बारे में वाक्य बोला जा रहा है, या वो वस्तु या विचार जिसके बारे में वाक्य बोला जा रहा है, वो वाक्य का सब्जेक्ट होगा। और प्रेडिकेट क्या होगा? बाकी पूरा हिस्सा, पूरा भाग जो सेंटेंस का है, जो उस इंसान के बारे में, उस वस्तु के बारे में या उस विचार के बारे में, जो भी नाउन या प्रनाउन या कोई वस्तु का नाम जो भी हो, उसके बारे में जो पूरा भाग लिखा हुआ है, रिमेनिंग पार्ट, उन सबको हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट में एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उसमें एक वर्ब का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। वर्ब के बिना प्रेडिकेट नहीं मान सकते हैं। तो वर्ब ही बताएगा हमें सब्जेक्ट क्या कर रहा है, उसकी स्टेट कैसी है। तो इन सब को आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए हम यही समझेंगे कि एक वाक्य, जो एक सेंटेंस होता है, वो पूर्ण कब होता है? जब उसमें सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो। चलिए उदाहरणों से समझते हैं। लेट अस गो फॉर द एग्जांपल्स। नाउ द फर्स्ट एग्जांपल इज मिसेस शर्मा इज माय टीचर। इसमें हम देखें कि ये जो सब्जेक्ट है मिसेस शर्मा, ये एक नाउन है और जो बाकी वाक्य है वो इसके बारे में कह रहा है इज माय टीचर। तो मिसेस शर्मा तो सब्जेक्ट हो गया और जो बाकी सेंटेंस हुआ ये क्या हुआ? ये प्रेडिकेट हो गया। इसी तरह हम आगे चलते हैं सेंटेंस नंबर टू में। माय ग्रैंडमदर मेक्स लवली स्वीट्स। मेरी जो ग्रैंडमदर है वो लवली स्वीट्स बनाती हैं। तो मेरी ग्रैंडमदर क्या हुआ? ये हो गया अगेन सब्जेक्ट, क्योंकि इसी के बारे में ये सेंटेंस है। और बैकग्राउंड में क्या करती हैं? वो बहुत ही प्यारी लवली स्वीट्स बनाती हैं। नेक्स्ट सेंटेंसेस, ही प्लेज क्रिकेट। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो प्रोनाउन है, बाकी पूरा वाक्य इसके बारे में, तो ये क्या हुआ? ये हुआ सब्जेक्ट। और ये जो वाक्य है रिमेनिंग पार्ट, ये क्या हुआ? हमारा प्रेडिकेट। तो अब हम समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट को वैसे भी विषय होता है, विषय जिसके बारे में सब कुछ हो, तो सब्जेक्ट हमेशा वाक्य की शुरुआत में ही आता है। और जो प्रेडिकेट होता है, बाकी सारा भाग जो उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बात कहे, वो क्या करता है, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। अंत में हम ये कह पाएंगे कि एक जो सेंटेंस है वो पूरा कब होता है? इज़ कंप्लीट विद ए सब्जेक्ट सॉरी विद ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। सो नाउ वी नो व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द प्रेडिकेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।